भाई साहब जगह देख लियो, मैंने राइन मूवी का ट्रेलर आ गया भाई साहब। रिव्यू करने से पहले ही बता दूं कि बाबा फ्रेशनेस की सॉलिड बुआरी, यानी स्टोरी पूरी फ्रेश मिलने वाली है, और इसके साथ मास एक्शन, गोर एक्शन, गोरी एक्शन भाई साहब पेल के मिलने वाला है। बहुत कुछ खून खराबा देखने को मिलने वाला है। और भाई साहब धनुष के मेन लीड पर मूवी आ रही है रायन करके, जो हमें 26 जुलाई को देखने को मिल जाएगा, जिसका ट्रेलर ड्रॉप आउट हो चुका है। और ट्रेलर ने भाई साहब किल परफॉर्मेंस दी है, किल कर दिया है, जैसे वो किल अपने मूवी में कर रहे हैं धनुष जो मेन लीड पर। भाई साहब ये बंदा पिछले 2-3 मूवी से लगातार कमबैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं हो पा रहा है, जाने क्या कहानी खराब हो जा रही है। पिछली बार कैप्टन मिलर जो बिल्कुल जबरदस्त कंटेंट लेकर आई थी, जहां पर भी भाई वहां पर भी हमें कोई भी एक्शन की कमी नहीं देखने को मिली थी। सेम चीज यहां पर भी कोई एक्शन की कमी नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन बाबा उस समय क्या हुआ था, बहुत से क्लैशेस हो गए थे, दैट्स व्हाई कि वो मूवी को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं मिल पाया था। लेकिन भाई साहब रायन में वो फुल पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, जो यहां से इसका कमबैक कर सकती है सॉलिड, और एक्शन की कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं मिलने वाली है। मासी वो गोरी एक्शन यार, क्या मतलब, वो किल अभी जो मूवी आई थी ना, खचा खच, मतलब जहां हाथ जो पड़ रहा है भाई साहब वो जबरदस्त है। तो एक्शन के बिना कोई भी कहीं से कमी तक नहीं देखने को मिलने वाली है। और प्रकाश राज इसमें विलेन का एंगल रोल प्ले कर रहे हैं, तो बाबा विलेन के एंगल में ये बंदा कभी भी किसी को शिकायत का मौका देता नहीं है। तो यस, धनुष का जो हीरोइक कैरेक्टर है वो दमदार होगा। 3 बंदे देखने को मिल रहे हैं धनुष को मिलाकर, पिछले 2 सपोर्टिंग में देखने को मिल रहे हैं, तो कुछ अलग सी कहानी भाई देखने को मिल रही है। फिलहाल ट्रेलर से इतना कुछ पता लग नहीं पा रहा है कि कहानी क्या होने वाली है, वो तो 26 जुलाई को ही पता लग जाएगा। लेकिन यस बाबा, इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट तो जनरेट हो चुकी है कि यार ये आए और वो एक्शन देखने को मिले। AR रहमान का म्यूजिक है भाई, बैकग्राउंड म्यूजिक भी दमदार है, एंड जो भी हमारे ये सिनेमाटोग्राफी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो सब कुछ क्लोज कॉम्बैट एक्शन सीन वो भी दमदार देखने को मिल रहे हैं। तो भाई साहब कुल मिलाकर ट्रेलर फुल प्रॉमिसिंग है, जो 26 जुलाई का वेट करवा के रहेगा। तो भाई साहब इंडियन सिनेमा में साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड की धज्जियां उड़ाने में कमी नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। और यस, बॉलीवुड भाई साहब अगर ऐसे फ्रेश कॉन्टेंट नहीं लाएगा तो वो पीछे हटेगा हटेगा। लेकिन हाँ, साउथ इंडस्ट्री से भाई साहब एक ही चीज की शिकायत है कि आपका धनुष कोई भगवान नहीं है भाई, वो भी नॉर्मल ह्यूमन है। बस इसी चीज की मुझे कमी लगती है कि यार ये अपने हीरो को इतना हीरो क्यों दिखाते हैं भाई। बॉलीवुड इसमें अपना इम्प्रूवमेंट कर चुका है, अभी हमने एनिमल में रणबीर कपूर को देखा, अभी किल मूवी आई थी, बाबा क्या गोरी एक्शन यार, वो मूवी देखना अगर आपने एक्शन और मास के जबरदस्त फैन हो, सिर्फ एक्शन देखना है तो वो गोर, वो टॉक्सिकनेस, वो सब कुछ देखना है तो बाबा किल मूवी देखो। उसमें भी दिखाया गया है कि लास्ट में एंड तक आते आते अपना हीरो भी भाई साहब पूरा मरने की कगार पर पहुंच जाता है, लेकिन धनुष को टस से मस नहीं हो रहा है ये बंदा। तो बस इसी चीज़ की कमी देखने को मिलेगी और कुछ नहीं, बाकी और सभी चीज़ के लिए भाई लिटरली एक्साइटमेंट है, वेट है इस मूवी के लिए। आपने भी ट्रेलर देख लिया तो आपको ये कैसा लगा नीचे कमेंट उसे जरूर बता के जाना। बाकी यहाँ तक पहुँच गए तो उसका वीडियो पसंद आई पसंद है लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।